सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के 11वें सीजन में झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली निधि कुमारी ने टॉप 15 में धमाकेदार एंट्री कर ली है। उन्होंने टॉप 15 में जगह बनाकर झारखंड का नाम रोशन किया। इंडियन आइडल के जज अनु मलिक मेहककड़ और विशाल ददलानी को निधि ने अपनी गायकी से इम्प्रेस कर गोल्डन माइक हासिल कर लिया। एपिसोड में निधि कुमारी ने अलका याग्निक के गाए गाने को अपनी आवाज दी। निधि की परफॉर्मेंस पर जज विशाल ददलानी ने कहा, आने वाले समय में आप बेहतरीन करने वाली हैं। इस दौरान निधि ने ये भी खुलासा किया कि शो में आने को लेकर लोग उन्हें घरेलू कहते थे, यानी वे ऐसा कभी नहीं कर सकती। बता दें, निधि ने शो में मिले गोल्डन माइक को अपने माता पिता को दे दिया। इसके बाद उसे अपने घर के पूजा रूम में भगवान के चरणों में रख दिया। निधि के पिता संजय कुमार चक्रधरपुर रेल मंडल के पर्सनल विभाग में चीफ ओएस हैं। निधि का जन्म चक्रधरपुर के इतवारी बाजार काली मंदिर क्षेत्र में हुआ। निधि ने 10वीं तक की पढ़ाई रेलवे इंग्लिश स्कूल से की। इसके बाद निधि ने केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर से इंटर आर्ट्स विषय की पढ़ाई की। फिलहाल निधि अपने परिवार के साथ आदित्यपुर में ही रहकर जमशेदपुर विमेंस कॉलेज से शिक्षक डॉक्टर सनातन दीप के मार्गदर्शन में संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रही है। माँ रीता कुमारी गृहिणी है। निधि की बड़ी बहन नेहा कुमारी और एक छोटा भाई उत्कर्ष कुमार है। साल 2016 में भी निधि इंडियन आइडल सीजन 9 के फाइनल ऑडिशन के लिए चयनित हुई थी। तब कोलकाता में निधि का ऑडिशन हुआ था। प्लेबैक सिंगर सोनू निगम, संगीतज्ञ अनु मलिक व फरहान ने इनका चयन किया था। फाइनल ऑडिशन मुंबई में हुआ था। निधि क्वालिफाई नहीं कर पाई। बावजूद निधि ने हिम्मत नहीं हारी और संगीत का रियाज पहले से अधिक किया। निधि ने पहला ऑडिशन जमशेदपुर में दिया। इसके बाद दूसरा और तीसरा ऑडिशन कोलकाता में हुआ। चौथे और पांचवें राउंड में कोलकाता से गोल्डन कार्ड लेकर निधि मुंबई पहुंची। छठे राउंड में निधि ने सुपर 60 में जगह बनाई। सातवें राउंड में सुपर 35 में पहुंच गई और आठवें राउंड में गोल्डन माइक मिला। इस तरह वे टॉप 15 में पहुंच गई। धन्यवाद।